So good morning children, today we shall start next topic. This is on page number 25. I hope you are clear with the previous topics. Now where are most of the people employed? So children, in previous section we have seen what is the share in GDP. Share in GDP हमने previous section में देखा कि three sectors का, तीनों sectors primary, secondary और tertiary, इन तीनों का overall जो production है, what is the contribution of all these three sectors in GDP? Production के तीनों sector का क्या share है? Now we will go through this topic. Where are the most people employed? Okay, with comparing graph. Graph 2 represent percentage share of the three sectors in GDP. Now you can directly see the changing importance of the sectors over the 40 years. So we have seen यहाँ से हमारा जो year था 1971 से 2010 तक almost 40 years का data दिया है यहाँ पे. Maybe आपकी book में थोड़ा differ करेगा, ठीक है? तो you can see now graph 2 shows that the share of sectors in GDP percent wise, percent के according यहाँ पे दिख रहा है आपको कि परसेंटेज क्या है, मींस ओवरऑल जो तीनों सेक्टर जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, व्हाटएवर दे प्रोड्यूस उसका परसेंटेज क्या है. ओके, हम 1970-71 के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे चिल्ड्रन, तो जो जीडीपी में शेयर था परसेंट शेयर, ठीक है, जीडीपी में वो अराउंड 45 है, 45%, ठीक है, 45% प्राइमरी सेक्टर का, ठीक है. And it is in between, we can say, यहाँ से 45 से 55, 55 से around 65, it is around 20% near about, ठीक है. Then tertiary sector का आप देख सकते हैं, it is again around 45%, near about 45%, ठीक है, और less than that यहाँ पे. तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि अभी भी 1971 में जो परसेंटेज है वो प्राइमरी सेक्टर का ज़्यादा था, ठीक है, मींस प्राइमरी सेक्टर वाज प्रोड्यूसिंग मोर, ठीक है. वेयर एज इन 2010 एंड 11 यू विल सी द शेयर ऑफ प्राइमरी सेक्टर हैज बीन रिड्यूस्ड, इट इज नियर अबाउट 50% रह गया. एंड इन द सेकेंडरी सेक्टर यू कैन सी इट इज अराउंड ऑलमोस्ट, आप कंपेयर करके देख सकते हो, ठीक है, इट इज ऑन द सेकेंड पोजिशन एंड देन थर्ड इट इज द लार्जेस्ट, ठीक है, लार्जेस्ट शेयर है 2010 एंड 11 में टेरिशरी सेक्टर का, ठीक है, सबसे लार्जेस्ट परसेंटेज किसका है, टेरिशरी सेक्टर का. ओके, सो बेसिकली ये शिफ्ट हम ऑलरेडी समझ चुके हैं प्रीवियस ग्राफ में ही, कि प्राइमरी सेक्टर का जो शेयर है जीडीपी में ज़्यादा परसेंटेज रहा था 1970-71 में, जो कि 2010 एंड 11 में जीडीपी में उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कम हो गया, ठीक है, और टेरिशरी सेक्टर का इंक्रीज हो गया. तो इस तरीके से टेरिशरी सेक्टर जो है वो लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर हो गया जीडीपी में ओवरऑल प्रोडक्शन, ठीक है, इन तीनों सेक्टर्स. ओके मैम, सो बेसिकली इट इज अ रिमार्केबल ग्रोथ, और वी कैन से ट्रेमेंडस ग्रोथ इन टेरिशरी सेक्टर. नाउ वी विल गो थ्रू द थर्ड ग्राफ. अ रिमार्केबल फैक्ट अबाउट इंडिया इज दैट there has been a change in the share of the three sectors in GDP. A similar shift has not taken place in employment. तो हम यहाँ पे employment की बात कर रहे थे, employment percent की. हमने अभी तक ये देखा कि primary sector बहुत पहले independence के कुछ initial years में बहुत अच्छा perform कर रहा था, यहाँ पे उसका share GDP में बहुत ज़्यादा था, लेकिन धीरे 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 जो प्राइमरी सेक्टर है उसका शेयर जो है वो रिड्यूस हो गया ओवर द 40 इयर्स, और टेरिशरी सेक्टर बूम हो गया 40 इयर्स में, उनका परसेंटेज टेरिशरी सेक्टर का सबसे ज्यादा हो गया, ठीक है. तो देयर हैज बीन अ ट्रेमेंडस परफॉर्मेंस बाय द टेरिशरी सेक्टर इन कंपैरिजन टू ऑल दीज सेक्टर्स, राइट. बट हियर वन थिंग यू कैन से, देयर हैज बीन नॉट टेकन यू नो सिमिलर, can say similar performance has not been taken place in employment wise. Employment wise अगर हम देखें तो similar performance हमें tertiary sector में देखने को नहीं मिलता, similarly in primary sector also. हम इन दोनों years को फिर से graph को compare करेंगे according to 1970 and 2009 and 10 का, अगर आप देखेंगे इस graph में, ठीक है. In 1970-71, you can see the mostly people were employed in primary sector above 75%, and in
manufacturing sector, they were on only, we can say, about 19 to 20% people were employed in manufacturing sector, and near about 50% जो है वो tertiary sector में थे. Okay, so less than 15% आप calculate कर लेना, ठीक है. Now in 2009 and 2010 अगर हम compare करें तो यहाँ पे आप देखोगे कि अभी भी primary sector में approximately more than 55% लोग जो है वो primary sector में ही है. Tertiary sector में कुछ percent increase हुआ है, लेकिन जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ. टेरिशरी सेक्टर में भी हम देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 25% नियर अबाउट 25% लोग जो है इसमें एम्प्लॉयड. सो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है स्टूडेंट्स की जब प्राइमरी सेक्टर जो सबसे कम 1970-71 में देखेंगे तो यहाँ पे प्रोड्यूस तो ज़्यादा कर रहा था, ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा था यहाँ पे, है ना, 70-71 में. लेकिन यहाँ पे 75% लोग इन्वॉल्व थे, ठीक है, और यहाँ पे ये कम हो गया, 55% हो गया, लेकिन इनका जीडीपी में शेयर क्यों कम हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मोर देन पीपल आर एंगेज इन प्राइमरी सेक्टर, ठीक है, बिकॉज मोर देन रिक्वायरमेंट पीपल आर एंगेज इन प्राइमरी सेक्टर. जिनकी की रिक्वायरमेंट प्राइमरी सेक्टर में नहीं है वो लोग भी प्राइमरी सेक्टर में ही अभी भी एंगेज है. And here we can say the jobs and employment has not been increased in these two sectors, in secondary sector as well as in tertiary sector. In दोनों sectors में जो है secondary sector और tertiary sector में कोई बहुत अच्छा change नहीं हुआ है, जबकि manufacturing sector और tertiary sector दोनों का contribution in GDP में increase हुआ है in 2010 and 2011 अगर हम यहाँ पे data wise देखते हैं तो. क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि टेरिशरी सेक्टर जो कि इतना ज़्यादा इनकम दे रहा है, इतना ज़्यादा प्रोडक्शन दे रहा है एक इकोनॉमी में, हमारी कंट्री में, तो इतने लोग यहाँ पे एम्प्लॉयड क्यों नहीं है, ठीक है, लोगों का परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट टेरिशरी सेक्टर में क्यों कम है, व्हाई द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज हैज नॉट बीन इंक्रीज इन टेरिशरी सेक्टर. ओके, दिस क्वेश्चन कैन बी कैन कम. एंड देन अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी वाई मोर देन 55% पीपल आर एंगेज इन प्राइमरी सेक्टर वेयर एज दे आर गिविंग लेस देन 15% जीडीपी शेयर इन, यस वी आर गिविंग लेस देन 15% शेयर इन जीडीपी, ठीक है. तो ये क्वेश्चन यहाँ पे आता है, कैन यू टेल व्हाट इज द रीजन, ये स्टूडेंट, the reason can be that the persons who are engaged in the primary sector, yes, are not able to produce much, yes, that is why their production is less, the okay. Individual production of farmers is less, yes, okay. And the second reason, ma'am, may I also please can explain once, ma'am, yes, प्रॉब्लम हो सकती है. अगर एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज नहीं
इंक्रीज नहीं हो रही है और प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट शुड टेक द इनिशिएटिव एंड दे शुड प्रोवाइड, दे शुड टेक सम मेजर्स टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट. ओके, सो यहाँ पे आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, व्हाई डिड अ सिमिलर शिफ्ट आउट ऑफ प्राइमरी सेक्टर हैपन इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट. ओके, यहाँ पे आप प्राइमरी सेक्टर में देख रहे हो कि पहले 75% लोग जो है वो एंगेज थे एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है, उसका शेयर हमने देखा कि जीडीपी में कम था, जितने लोग इन्वॉल्व हैं उतना प्रोडक्शन नहीं कर रहे, ठीक है, और जबकि 2009 and 10 के डेटा के अकॉर्डिंग हम देखें तो अभी भी जो लोग एंगेज है उसका परसेंटेज प्राइमरी सेक्टर में ही ज़्यादा है, लेकिन उनका प्रोडक्शन और शेयर इन जीडीपी वो तो इंक्रीज नहीं हुआ, वो तो हम कह सकते हैं कि और ज़्यादा इंक्रीज हो जाना चाहिए था. जितने लोग यहाँ पे हैं 55% लोग अगर इसमें इन्वॉल्व है तो यानी कि जीडीपी शेयर तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तो वो कहीं इंक्रीज नहीं हुआ. ठीक है, बेसिकली यहाँ पे हमें ये कहना है कि सिमिलर परसेंटेज ऑफ जॉब्स आर रिक्वायर्ड टू यू नो शुड बी प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट इन सेकेंडरी एंड टेरिशरी सेक्टर. सो दिस इज दिस क्वेश्चन इज गिवन, आंसर इज गिवन ऑल्सो एट द सेम टाइम. यू कैन सी यहाँ पे देख सकते हो, इट इज बिकॉज नॉट इनफ जॉब्स वर क्रिएटेड. सिर्फ इनफ जॉब ही नहीं बल्कि मैं कहूँगी प्रॉपर एक प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए जॉब्स प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट का, जो कि नहीं है. दैट इनिशिएटिव शुड बी टेकन बाय द गवर्नमेंट, इनफ जॉब जो है वो इससे ज़्यादा मोर देन हमें रिक्वायरमेंट है जॉब्स की, शुड बी क्रिएटेड इन सेकेंडरी एज वेल एज इन टेरिशरी सेक्टर. इवन दो इंडस्ट्रियल आउटपुट और द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स वेंट अप by more than 9 times during the period. आप देख सकते हो कि industrial sector का जो production है, जो output है, output जो है went up high more than 9 times. ठीक है, 9 times जो है वो high production. Tertiary sectors are using machines nowadays more than employees, so that can be a reason for less jobs. ये भी एक reason हो सकता है. ये भी एक रीजन हो सकता है बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, बिकॉज ऑफ मैकेनाइजेशन, बिकॉज ऑफ डिजिटलाइजेशन, टेरिशरी सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कुड नॉट यू नो प्रोवाइड इनफ जॉब्स एंड ईच एंड एवरी पीपल आर नॉट स्किल्ड, दे यू नो देर इज अ लॉट ऑफ इलिटरेसी इन इंडिया. ओके, सो बेसिकली ये भी एक रीजन हो सकता है. ड्यूरिंग द पीरियड एम्प्लॉयमेंट इन द इंडस्ट्री वेंट अप अराउंड 3 times. ठीक है, और जबकि 9 times प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है और एम्प्लॉयमेंट भी जो है वो बढ़ पाया है. ठीक है, वेयर एज हम टेरिशरी सेक्टर का भी देखें तो सेम यही है, अप्लाइज टू द टेरिशरी सेक्टर एज वेल. वाइल प्रोडक्शन इन द सर्विस सेक्टर रोज अप बाय मोर देन 14 times. टेरिशरी सेक्टर में कितना इंक्रीज हो गया है, 14 times जो है वो प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है सर्विस सेक्टर का, जबकि एम्प्लॉयमेंट जो है वो सिर्फ 5 times जो है वो इंक्रीज हो पाया है. तो ये चीज़ें जो है वो एक हम कह सकते हैं क्वेश्चनेबल है किसी भी इकोनॉमी के लिए कि हम जो शेयर है प्रोडक्शन का वो तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट इंक्रीज नहीं कर रही है. सो देयर शुड बी ए प्रॉपर एंड इनफ एम्प्लॉयमेंट शुड बी प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट. ओके, सो एज अ रिजल्ट मोर देन हाफ द वर्कर्स इन द कंट्री आर वर्किंग इन प्राइमरी सेक्टर मेनली इन एग्रीकल्चर. अभी हमने देखा कि मोर देन 55% आर स्टिल एंगेज इन प्राइमरी सेक्टर. ओके, सो दिस वी हैव कंक्लूडेड. आप वहाँ पे साथ साथ में लिखते जाओगे. ठीक है, ओके, प्रोड्यूसिंग ओनली क्वार्टर ऑफ द जीडीपी, क्वार्टर ऑफ द यूनिटी ऑलमोस्ट लेस देन 1/6 प्रोडक्शन जो है वो प्राइमरी सेक्टर कर रही है. इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस द सेकेंडरी एंड टेरिशरी सेक्टर प्रोड्यूस 3/4 ऑफ द प्रोड्यूस वेयर एज दे एम्प्लॉय लेस देन हाफ ऑफ द पीपल. तो ये कंक्लूजन होता है कि यहाँ पे लेस लोग जो है वो एम्प्लॉयड हैं सेकेंडरी और टेरिशरी सेक्टर में. ओके, सो दैट मीन्स देर इज सम काइंड ऑफ हिडन अनएम्प्लॉयमेंट इज देयर इन एग्रीकल्चर सेक्टर. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, व्हाट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, दिस इज नेक्स्ट टॉपिक. ठीक है, हमने एम्प्लॉयमेंट पर्सन देखा कि जितना प्रोडक्शन कर रही है तीनों सेक्टर में, प्राइमरी सेक्टर में बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं जबकि उतनी रिक्वायरमेंट हमें नहीं है. ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, व्हाट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट. ओके, व्हाट इट मींस इज दैट देयर आर मोर पीपल इन एग्रीकल्चर देन इज नेसेसरी. दिस क्वेश्चन, इवन इफ यू मूव
what is the meaning here? Can you tell?